Hi there guys, welcome back to my channel Glossips and welcome to episode number 9 of Makeup for Noobs. Literally मुझे अभी कुछ हो रहा है कि we're almost reaching the end of Makeup for Noobs. I mean ये second last episode है. I hope कि आपको ये series helpful रही, आपने कुछ सीखा इससे and it actually taught you all that you wanted to know about makeup as a beginner. Forgive me, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है so runny nose situation. आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे ब्लश ऑन्स के बारे में एंड बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू द ग्लॉसिप्स फेवरेट्स वाला पार्ट इन द प्रीवियस वीडियो वेल दैट्स बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी एंड आई वाज लाइक बस यार लाइक लिटरली बस मतलब नेक्स्ट एपिसोड में डाल देते हैं कोई बात नहीं क्योंकि ये वाला एपिसोड छोटा सा होने वाला है इट्स ओनली अबाउट ब्लश ऑन्स सो लेट्स गो अहेड विद टुडेज वीडियो नाउ आई डू नो कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ब्लश ऑन फैंस होंगे और अगर कोई मेकअप इस्तेमाल करते हो या ना हो ब्लश ऑन इज डेफिनेटली नो इंग्लिश कमिंग टू मी ब्लश ऑन्स आर डेफिनेटली अ मस्ट हैव इन योर मेकअप किट्स एम आई राइट और एम आई राइट जस्ट लाइक एवरी अदर वीडियो मैंने डेमो अपने सबसे फेवरेट प्रोडक्ट के साथ ही किया है सो फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द टू फेस्ड पापा डोंट पीच ब्लश ऑन अच्छा जी नाउ आई नो कि आप लोग थोड़ा सा गुस्सा हो रहे होंगे कि फातिमा ब्लश ऑन है यार इसमें इतनी साइंस मत लेकर आओ प्लीज लेकिन इसमें भी थोड़ी सी साइंस है एंड आई एम अ लिटिल सॉरी अबाउट दैट लेकिन है क्या करें तो अब हमारा बेसिक तरीका क्या होता है व्हेनेवर वी हैव अ ब्लश ऑन इन आवर हैंड्स हम लोग इसको लेते हैं मजे से और हम इसको अपने यहाँ पे लगा लेते हैं राइट आई मीन मैं तो यही करती हूँ बिकॉज आई हैव दीज यू नो टू टेनिस बॉल्स राइट हियर मैं जैसे ही स्माइल करती हूँ तो अब जब यहाँ पर पिंक तो लगे हुए होंगे वेन यू गाइज आर गोइंग टू लुक एट मी डायरेक्टली नज़र यहाँ पड़ेगी एंड यू बी लाइक या आई कैन सी टेनिस बॉल्स फ़ौरन से नज़र आएंगी सो आई डोंट माइंड इट आई लाइक दैट लुक सही है लेकिन अब इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट योर चीक्स टू बी लिटरली इन द फेस ऑफ अदर पीपल यू कैन गो अहेड एंड यूज दिस टेक्निक फॉर अ मोर लिफ्टेड लुक आई विल डेमोंस्ट्रेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तो सबसे पहले मैं लूंगी अपना ब्लश ऑन एंड आई विल जस्ट पैक इट हियर जनरली तो यही तरीका है ब्लश ऑन लगाने का एटलीस्ट मेरे लिए तो यही है दैट आई पुट सम ब्लश ऑन राइट हियर ऑन द एपल्स ऑफ माय चीक्स एंड दिस लुक्स प्रिटी क्यूट ओके आई लाइक इट पर्सनली लेकिन एज यू कैन सी इस पे नज़र आपकी फ़ौरन से मेरे यहाँ पे पड़ रही है नाउ इफ आई वॉन्ट इट लिफ्टेड लुक तो मैं यहाँ पर ब्लश ऑन नहीं लगाऊंगी दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू माई ब्लश ऑन देन I will take some blush on my brush और मैं अपने cheeks के इस वाले हिस्से पे blush on लगाऊंगी so that the most of the pigment is high up और वो आहिस्ता आहिस्ता cheeks की तरफ आके blend हो रहा होगा अब दोनों sides आपके सामने है This is how most people do their blush-ons, including me, because I like this look, sahi hai. So you can see ki ab seedhi nazar aapki ja rahi hai mere cheeks ke upar, and you can see that they are round and they are there, you know, like the golgappas are there. But agar aap is side ko dekhe, you can obviously make sense of this ki ye mere chehre ko upar lift kara raha hai. It's giving this very, very lifted look like that to my face. अच्छा जी अब एक और चीज़ है जो तीसरी लुक है ब्लश ऑन की बहुत फेमस जो कि पाकिस्तानी ड्रामों से इन्फ्लुएंस होके आई है उफ अल्लाह आई कॉल इट द नज़ला लुक जस्ट बाय द वे जस्ट बिकॉज सारा ब्लश ऑन तो आपकी नाक पे होता है देयर इज नो ब्लश ऑन एनीवेयर एल्स इट्स ऑल ऑन योर नोज क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामों में आपका कोई और काम ही नहीं होता अलावा रोने के तो येस यू विल ऑब्वियसली हैव अ रेड नोज नज़ला होगा सो पीपल लव दैट नज़ला लुक एंड पीपल वॉन्ट टू डू इट ऑल द टाइम सो दिस इज हाउ यू गेट द नज़ला लुक ये भी बहुत सिंपल है ठीक है जी आपने ब्लश ऑन लिया अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे वो फ़ौरन से यहाँ पर पूरा लगा देंगे नो डोंट डू दैट ठीक है आप लगाते हैं वो ब्लश ऑन इस जगह पे डू यू सी दिस प्लेस द ब्रिज ऑफ योर नोज इसके ऊपर लग रहा होता है वो इधर नहीं लग रहा होता दैट इज लिटरली अ नज़ला नोज लाइक असली वाली लाइक यू नो द बीमारी जो आजकल फैली हुई है वो वाली So when you want the nazla look, you're going to apply the blush on the bridge of your nose, not the tip of your nose. आप इस तरफ लगाएंगे अपना blush on and you will still get the nazla look. All right? तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप ब्लश ऑन को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं टू डिफाइन योर एग्जिस्टिंग फीचर्स. सो अगेन इट्स मेकअप गाइज, इतनी कोई टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर. चिल अराउंड, प्ले विद योर मेकअप हाउ एवर यू लाइक टू प्ले विद इट. अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे तीन मोस्ट फेमस ब्लश ऑन यूजिंग टेक्निक्स. अब हम चलते हैं ग्लॉसिप्स फेवरेट्स की तरफ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कैंसिल आउट कर दिया था, लेकिन आई स्टिल शॉट द पिछली वीडियो वाले ग्लॉसिप्स फेवरेट्स, सो आई एम गोना ऐड देम हियर. एंड उसके साथ हम बात करेंगे आज के ग्लॉसिप्स फेवरेट्स के बारे में भी, विच आर गोइंग टू बी माई फेवरेट ब्लश ऑन्स, हाइलाइटर्स, ब्रॉन्जर्स. ब्रॉन्जर्स तो खैर एक ही हैं, बट लाइक ब्रॉन्जर भी है उसके अंदर, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू आस्क्ड इन द कॉमेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो. पाउडर कॉन्ट्रोवर के लिए मैं जो किट यूजली यूज करती हूँ वो है एनेस्थासिया बेवरली हिल्स की कॉन्ट्रोवर किट, और मेरा शेड है लाइट टू मीडियम. तो एज यू कैन सी इसके अंदर वो सारे कॉन्ट्रोवर शेड्स हैं जो हमारे काम आते हैं, अलॉन्ग विद सम रियली नाइस हाइलाइटिंग शेड्स एज वेल. इसी तरह का एक और बहुत कूल पैलेट है विच इज़ मेड लोकली इन पाकिस्तान, एंड दिस इज़ अ डू इट ऑल, क्योंकि इसके अंदर ऊपर ये क्रीम कॉन्ट्रोवर्स हैं, बीच में ये एक ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर है, और यहाँ पर है पाउडर कॉन्ट्रोवर्स. सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन कवरिंग ऑल ऑफ दोज कॉन्ट्रोरिंग फील्ड्स. अनदर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट विच इज़ फॉर क्रीम कॉन्ट्रोवर इज दिस निक्स की वंडर स्टिक. तो इसके एक साइड पे है ये कॉन्ट्रोरिंग शेड, एंड उसी तरफ दूसरे साइड पे इसका हाईलाइटिंग शेड. अच्छा, इन सब रिकमेंडेशंस के अंदर मैं एक और रिकमेंडेशन तो देना ही भूल गई, विच इज़ एक्चुअली द लशियस फेस कॉन्ट्रोर पैलेट. ये भी एक बहुत मज़े का कॉन्ट्रोर पैलेट है, एंड इट इज़ लोकली अवेलेबल एज वेल. इट्स नॉट दैट कॉस्टली ऑन योर पॉकेट, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड बाय. ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ ब्लशेज इन द मार्केट, लेकिन आई विल बी टेलिंग यू गाइज माई रिव्यूज ऑन अ फ्यू. तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस जो हम देखते हैं हर दूसरे स्टैंड के ऊपर, हर दूसरी शॉप में, इज द मेबलिन फिट मी ब्लश ऑन. आई डू रियली लाइक द ब्लश ऑन, लेकिन आई फील लाइक इट्स नॉट as pigmented, but हाँ ये हमारे pocket में भी आता है. It's like something that meets the pocket, it's very easily available, and all of those things apply. It's a light blush on, it's not a very pigmented blush on. Now this one I would totally recommend. This one is the Luscious Blush Remix. So now as you can see that this palette basically has it all. इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स के ब्लश ऑन्स हैं, साथ में हाइलाइटर्स भी हैं, एंड आई पर्सनली लव पैलेट्स दैट हैव इट ऑल. यानी कि जिनको एक चीज़ के बजाय हम और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दे आर डू इट ऑल वाले पैलेट. आई एक्चुअली लव सच पैलेट्स, सो आई वुड टोटली रिकमेंड द लशियस ब्लश रीमिक्स. टू फेस्ड का पापा डोंट पीच, यू गाइज हैव सीन मी यूज दिस इन एवरी वीडियो, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है दैट दिस इज माई मोस्ट 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 फेवरेट वन. बट जो ये बड़ा वाला है इसका पैलेट, इसके अंदर एक शिमरी ब्रॉन्जर भी होता है, एक हाईलाइटर भी होता है, और बीच में इसके ब्लश ऑन होता है, एंड आई टोटली लव दिस वन. हेयर इज अनदर ब्लश ऑन फ्रॉम लशियस कॉस्मेटिक्स जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइक आई फेल इन लव विद दिस वन. ये है शेड कॉरल ग्लो के अंदर. ये बहुत ही मज़े का पर्पल पिंक बहुत ही मज़े का पीच पिंक कलर का ब्लश ऑन है, एंड इसकी पिगमेंटेशन इज एक्चुअली द काइंड दैट आई वुड लाइक. यानी कि आप उसको जितना बिल्डअप करना चाहो वो उतना बिल्डअप होता है, एंड दिस स्टेज, दैट्स द थिंग, दिस वन स्टेज. नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लश ऑन्स, आई एम गोइंग टू शो यू गाइज दिस पैलेट राइट हियर. ये है आई लव रेवोल्यूशन का प्रलाइन पैलेट. दिस पैलेट आई कम्प्लीटली लव बिकॉज इसके अंदर वो सारी चीज़ें दैट आई वुड एवर नीड. यानी कि अगर मैं सिर्फ ये एक पैलेट भी कैरी कर लूँ, आई हैव माई ब्रॉन्जर कॉन्टूअर, आई हैव माई ब्लश ऑन, आई कैन यूज दीज शेड्स एज एन आई शेडो, आई कैन इवन यूज दीज एज हाईलाइटर्स. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस पैलेट, क्योंकि इसका ब्लश ऑन भी बहुत अमेजिंग है, इसका कॉन्टूअर कलर ब्रॉन्जर ये भी बहुत अमेजिंग है, और जो इसके हाईलाइट्स हैं दे आर ऑल्सो परफेक्ट. सो इस कैटेगरी में इफ आई डोंट रेकमेंड दिस पैलेट इट वुड बी इनजस्टिस बिकॉज आई लव दिस पैलेट. सो द टॉप रेकमेंडेशन गोज टू दिस पैलेट राइट हियर. ओह यार, डिड आई मेंशन इट्स ऑल्सो वेरी 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 अफोर्डेबल कंपेयर्ड टू हाउ मेनी थिंग्स वी आर गेटिंग इन दिस. नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे कि आपने टिंट्स के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक वाटर टिंट्स. जो वो पानी वाले ड्रॉपर वाले टिंट्स होते हैं दे गो अवे, सही है, वो कोई नहीं रहते, दे डू नॉट स्टे. तो उन पे बात करने का फ़ायदा नहीं है. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बहुत कम है जो रहते हैं, दो घंटे बाद दे आर गॉन. बट देयर इज दिस वन टिंट
जो मुझे रिसीव हुआ था एक लोकल पेज से, जिसका मुझे नाम भी नहीं याद, बट आई एम श्योर कि आपने ये देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे. सो इफ यू फाइंड अ पेज जहाँ पे ये मिलता हो, यू नो दैट दिस इज द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इस तरह करके एक टिंट है. दिस वन डजंट कम ऑफ, ये नहीं उतरता. इसको अगर मैंने किसी दिन अपने चीक्स पे या अपने लिप्स पे लगाया है ना, दिस हैज नॉट कम ऑफ. चाहे उसके बाद मैंने ऑयली खाना खाया हो, चाहे मैंने उसके बाद कुछ भी किया, लिप से तो नहीं उतरता. और चीक्स पे भी इट स्टेज. लाइक आई रिमेम्बर कि मैं गई थी, ओ माई गॉड यस आई रिमेम्बर, ओ माई गॉड आई रिमेम्बर, मैं बोल्टन मार्केट गई थी और उस वक्त मैंने ये टेंट लगाया हुआ था. इतनी गर्मी थी कि आई थिंक सब पिघल गया होगा, लाइक एवरीथिंग. और मैं गई थी दोपहर के 12 बजे एंड व्हेन आई केम बैक होम 7 बज रहे थे. एंड 7 बजे तक दिस वॉज देयर, माई चीक्स वर रेड. मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से मेरा चेहरा लाल पटाख हो गया, बट एक्चुअल में इट वॉज दिस टिंट. और ये आपको बहुत आसानी से इंस्टाग्राम के जो मेकअप पेजेस होते हैं उन पर मिल जाएगा. आई विल ट्राई टू फाइंड अ पेज, और इफ यू गाइज नो ऑफ अ पेज जस्ट लीव इट डाउन इन द कॉमेंट्स सो दैट बाकी सबको भी पता चल जाए कि कहाँ से ले सकते हैं. आई फॉरगॉट द नेम इसका कि कहाँ से आया था ये. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइलाइटर्स. सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट माई मोस्ट फेवरेट हाईलाइटर, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत एक्सपेंसिव वाला है, तभी मोस्ट फेवरेट है. ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती का नहीं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी अमेजिंग हाईलाइटर. सो ये है ग्लो किट बाय एनास्तासिया बेवरली हिल्स, एंड आई थिंक दिस इज द स्वीट्स पैलेट. या दिस इज द स्वीट्स पैलेट. ये लिटरली टुटू हो चुकी हुई है. आई एम वेरी सॉरी टू द पर्सन हु गिफ्टेड दिस टू मी, बट ट्रस्ट मी मैं इसलिए इसको खोलती नहीं हूँ सो दैट आई कैन यूज इट, मतलब जितना भी ये जिंदा है. दिस इज माई मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन. ये इतना आला पैलेट है, मतलब ये ब्लाइंडिंग हाईलाइट्स देता है फॉर अ फैक्ट. अच्छा, आप हमें पता है कि एनास्तासिया बेवरली हिल्स की तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी होंगी, बट गाइज हमारे पाकिस्तानीज जो कॉस्मेटिक्स निकाल रहे हैं, ओ माई गॉड, आई मीन प्लीज. ओके, सो दिस इज द लशस का ग्लो रीमिक्स पैलेट, एंड ओ माई गॉड दीज हाईलाइटर्स आर अमेजिंग. दिस इज वन ऑफ द हाईलाइटर पैलेट जो मुझे बहुत पसंद है. बट नॉट जस्ट दिस, वेट, ओह माय गॉड दिस डुओ इज आइकॉनिक. अच्छा जी, तो अब लेट्स टॉक अबाउट दीज टू. ये हैं जे ब्यूटी के, प्लीज शो. सो दीज आर द जे ब्यूटीज चांद एंड तारा हाईलाइटर्स. ये चांद है, ये तारा है. इनमें से एक क्रीम हाईलाइटर है और एक पाउडर हाईलाइटर है. ओह माय गॉड आर दे ब्लाइंडिंग और व्हाट दे आर अमेजिंग. आई लव दीज टू, लाइक वाओ. एंड दिस हाईलाइटर इज अनदर हाईलाइटर दैट आई हैव लव्ड फॉर सो लॉन्ग. आई हैव हर्ड कि डिसकंटिन्यू हो गया है, एंड दिस इज द टीटी कॉस्मेटिक्स ग्लो बाय टीटी, एंड दिस हाईलाइटर इज अमेजिंग एज वेल. मतलब बहुत मजे का हाईलाइटर है. आई लव दिस वन एज वेल. नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी वेरी क्लासिक Maybelline Face Studio Highlighter. You all know that this has been a crazy highlighter for years and years, and people have loved it. So you know कि ये तो Glossip's favorites की stash में होना ही होना था. And now this is the last highlighter. This is by Miss Rose, और ये है उनका shimmer highlighter in the number 08. Oh my God, like मैं बहुत कम इतना highlighters को पसंद कर पाती हूँ, but like this highlighter made me come back to it again. ये इतना अच्छा हाईलाइटर था. Time to put all of these things back. So this is the entire stash of all of the highlighters, bronzers. Bronzer मैंने दिखा दिया ना, हाँ. So this is the entire stash of all of the highlighters, bronzers, blush-ons and everything else that I love and would recommend to you guys. मेरा सारा मेकअप छोटे छोटे शू बॉक्सेस के अंदर जमा हुआ हुआ पड़ा हुआ है अब यहाँ पे लिटरली, और कोई मतलब there's no chill guys, there's no chill. Now I hope कि आपने ये वीडियो enjoy की होगी. अगर आपने enjoy की तो please 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 show some support, give this video a thumbs up, don't forget to subscribe to my channel and I will catch you guys in my next video.